मैंने ना पट पे लिख लिए यहाँ पर, मैंने दूसरे पट पे भी ना यहीं पर लिख लिए। सर हम ऐसे लिख रहे पर्ची लिखे, और मैं टीचर को देख रहा हूँ वो देख ही नहीं रहा इनकी तरफ। Hey everyone, welcome back to my new story time. हमारी वीडियोस का सबसे बेस्ट पार्ट स्टोरी टाइम। हम वीक में एक दिन स्टोरी टाइम करते हैं। जो भी चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब भी कर लो। और मैं बता देता हूँ, हम वैसे डेली व्लॉग्स करते हैं पर एक दिन हम स्टोरी टाइम करते हैं, चाहे फिर वो हॉरर हो, चाहे फिर वो फनी हो, चाहे फिर वो स्कूल का कोई किस्सा हो। तो आज मेरा बहुत फनी किस्सा सुनाने का मन है, तुम सबके साथ शेयर करने का मन है, जब मैं एक लड़की की वजह से स्कूल में 8th क्लास में सस्पेंड हो गया था, जबकि वो हमारी बोर्ड की क्लास थी। घर में कितना पिटा था, कितनी एम्बेरसमेंट हुई थी। तो इसके रिगार्डिंग एक किस्सा, बहुत फनी है और मुझे पता है तुम सबको बहुत मजा आएगा, तुम सब रिलेट कर पाओगे। तो एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो हम किस्सा शुरू करते हैं। ये किस्सा तब का है जब मैं 8th क्लास में था, ठीक है, और उस टाइम पर बोर्ड की क्लास होती थी और ऐसे हल्ला मचाया होता था कि भाई बोर्ड की क्लास है, ट्यूशंस लगाओ, दूसरे स्कूल में पेपर देने जाना है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाओ। सुबह 7 बजे बुला लेते थे, शाम को भी एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही है। मतलब ऐसा बनाया हुआ था ना कि बोर्ड है ना, तो मतलब अब इसी पे बच्चे का करियर डिपेंड करता है, ऐसे इन्होंने हवा बनाई हुई होती थी। तो मेरे टाइम पे भी थी, और हम सबके बीच में ना कॉम्पिटिशन बहुत होता था हमारी क्लास वाले बच्चों के बीच में। मैं भी पढ़ने में ठीक था, मतलब ऐसे था कि 10th आ जाता था कभी मैं, कभी 5th आ जाता था, कभी 7th आ जाता था, कभी 6th आ जाता था, कभी किस्मत अच्छी रही तो 3rd, और कभी भगवान मेहरबान रहा तो 2nd। तो हमारी क्लास में ना एक लड़की होती थी, उसका नाम तो नहीं लूंगा पर उसको हम इस स्टोरी में कहेंगे आलू, ठीक है। वो बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत सही थी वो, मतलब सही इन द सेंस इंटेलिजेंट, बहुत तेज थी। तो हमारे ना बहुत सारी ट्यूशंस होती थी, तो मेरी एक ट्यूशन ना हमारे स्कूल वाले बच्चों के साथ ही, हमारे स्कूल के पीछे एक ट्यूशन था, उसमें हम सारे स्कूल वाले बच्चे ट्यूशन जाते थे। कम से कम 7-8 थे जिसमें 2-3 लड़कियां थी और बाकी लड़के थे, ठीक है। उसमें आलू भी आती थी जो टॉपर थी हमारी क्लास की। तो होता क्या था, वो हमेशा टॉप करती थी। तो इस बार ना मुझे ऐसा था कि मैथ्स में, हम मैथ्स की ट्यूशन लगे थे वहां, कि मैथ्स में मुझे टॉप करना है। और उसका रीजन था क्योंकि हमारे जो ट्यूशन वाला सर था ना, इतना हरामी था, वो ना हमें ताने मारता था, मतलब ना हमें भड़काता था कि भाई ये तो इतना टॉप करती है, तो इतना अच्छा पढ़ती है, इसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता, अबे तू तो क्या ही नंबर लाएगा, इसके जैसे नंबर लाएगा, अरे तेरे बस का ही नहीं, अबे तू तो छोड़ दे, तू तो ट्यूशन छोड़ दे, तू तो पढ़ना छोड़ दे। मैंने कहा इस बार कसम खा रहा हूं इससे ज्यादा नंबर लाऊंगा मैथ्स में, और थोड़ा सा ना नाम रोशन करूंगा। तो ऐसा मैंने सोचा। तो अब हुआ क्या, ठीक है, तो अब शुरू होती हमारी 8th के, हमारे ना शुरू हो गया हमारा सेमेस्टर, हमारे ना फर्स्ट यूनिट टेस्ट आए, उसमें आलू के मार्क्स आए कुछ 100 में से ही आते थे हमारे, उसके कुछ आए 97 कुछ आए, और मेरे कुछ आए 71, ठीक है, क्लियर विन होगी आलू की। अब हम तो हैरान, बेइज्जती वगैरह, ठीक है, हमने किसी को बताया नहीं था कि सर मैं टॉप करूंगा, ऐसा कुछ नहीं बताया था, वो अपने खुद से था कि मेरे को इस बार जीतना है, ठीक है। अब हमारा ना मिड टर्म आ गया, मिड टर्म के जैसे एग्जाम्स का रिजल्ट आया, तो आलू के मार्क्स आए कुछ 94-95 कुछ आए, और मेरे ना 81-2 आए, अच्छा स्कोर था, पर वो क्लियर विन हो चुकी थी फिर से एक बार। मैं कोई बात नहीं, और जी तोड़ मेहनत करी। घर वाले भी हैरान, हमारा बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, इसे क्या हो गया। बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे ठीक मार्क्स आते थे, पर मैथ्स मेरा बहुत अच्छा था, मेरा मैथ्स सच में बहुत अच्छा था। तो मैथ में मुझे था कि इसको मैथ में तो पछाड़ूंगा, और हमारी ट्यूशन भी मैथ की होती थी। अब हमारे सेकंड यूनिट टेस्ट आए, अब सेकंड यूनिट टेस्ट में मैंने ना उसको बराबर की टक्कर दी, उसके पता नहीं क्यों कम मार्क्स आए थे 89 और मेरे आए थे 87, तो बराबर की टक्कर हो गई थी। तो मैंने, अब पूरा जज्बा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ 2 नंबर से हारा हूं, इस बार पछाड़ दूंगा, ट्यूशन में भी ऐसी वाहवाही होगी, ओ भाई साहब अंकित के भी 87 आए, आलू के 89 आए, इसने तो पछाड़ दिया था, सर ने भी थोड़ा कह दिया 2 नंबर पीछे है तू पीछे ही रहेगा। मैंने कहा यार कितना यार नेगेटिव इंसान है, हमारा टीचर है तू, हमारा गुरु है तू, साले हमें गाइड कर, हमें प्रोत्साहित कर, ना भड़का रहा है बेबी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा अब हमारे प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं। प्री बोर्ड होते थे हमारे बोर्ड से पहले, बोर्ड के टाइम पे हमें क्या होता था, दूसरे स्कूल में भेज दिया जाता था कि वहां जाकर हम पेपर देंगे और कहीं और चेक होंगे, पर प्री बोर्ड हमारी एक बार प्री प्रैक्टिस होती थी। तो प्री बोर्ड आया, उसमें पूरी स्ट्रिक्टनेस, जैसा बोर्ड में होना ना वैसा ही माहौल बना देते थे सब कुछ, पूरी तैयारी। अब पेपर हमारा लास्ट था मैथ का, उससे पहले सारे पेपर हो चुके थे, फुल तैयारी कर ली मैंने भी। अब एक रात पहले मैं सोच रहा हूँ कि ना जो चीजें छूट गई हैं उनका क्या करूं, आज से पहले मैंने कभी चीटिंग नहीं करी, क्योंकि ना जब भी मैं चीटिंग करने लगता था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे घूर रहा है। मैं ऐसे भी कर रहा हूँ, मुझे वो घूर रहा है, कहीं पर्ची पुर्ची देख भी ली ना तो मैं उसकी तरफ भी देख रहा था, मुझे लगता था वो मुझे घूर रहा है। और मेरे दोस्त सर हम ऐसे लिख रहे पर्ची लिखे, और मैं टीचर को देख रहा हूँ वो देख ही नहीं रहा इनकी तरफ। मैं सोच रहा हूँ, मन में मेरा चल रहा है कि मैं टीचर को देख के यूं करूंगा,
कि देख उन्हें लिख रहा है, वो तब भी मेरी तरफ नहीं देख रहा, और मेरे दोस्त मेरी तरफ फेंक देना कि तू भी कर ले, और जैसी मैं पर्ची उठाने की सोचू ना तो टीचर की तरफ देख रहा हूँ, मुझे ऐसे देख रहा है कि पर्ची मेरे अगर हाथ में ना तो यूं भी करूँ ना तो मुझे ऐसे देख रहा है। तो मैं कभी चीटिंग नहीं कर पाया, चीटिंग के मामले में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। रॉनी एक नंबर की चीटिंग करता था, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था। तो हुआ क्या, मैंने इस बार कसम खाई थी कि हराना है। मैंने क्या करा, मैंने ना यहाँ पर लिख दिया अपने फॉर्मूले जो मैंने याद नहीं करके, यहाँ पर लिख लिया। मैंने क्या करा, मैंने ना पट पे लिख लिया, यहाँ पर मैंने दूसरे पट पे भी ना यहीं पर लिख लिए, और ना मैंने क्या करा, पेट ने जो मेरा पेट मैंने यहाँ पर लिख लिया फॉर्मूला, ताकि ना शर्ट हल्की से उठा के ना यूं देख लिया और सीधे यूं चीटिंग मार लूंगा। तो अब जैसे ही पेपर मिला नेक्स्ट डे, मैं भी बैठा, सबसे पहले मैंने पूरा पेपर ना गो थ्रू करा कि इनमें से कुछ आया भी है कि नहीं आया। कुछ नहीं आया हुआ भाई साहब, कुछ नहीं आया। टेंशन और होगी इन्हें मिटोना कैसे, बस एक आया हुआ था, मुझे शक था कि हाँ वो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। अब मैं कंफ्यूज हो गया, इस पट पे लिखा है या इस पट पे लिखा है। 15-20 मिनट इसी में निकल गए। फिर मैंने सोचा अभी बाथरूम में जाऊंगा, जब पैंट उतारूंगा तो जिस पे भी लिखा होगा देख के लिख दूंगा। फिर चलो ठीक है, अब मैंने सोचा पेपर करता हूँ पहले दबाकर, आखिरी में जब आधा पौना घंटा रह जाएगा तब जाऊंगा बाथरूम। अब रह गया एक घंटा आखिरी का। मैं गया, मैम बाथरूम में जाऊँ, मैम कह रही जा बाथरूम में, गया जल्दी दौड़ता हुआ, टाइम वेस्ट नहीं करना ना, जल्दी भी आना ताकि किसी को शक ना हो। पैंट उतारी, काम करते हुए आ गया था पसीना, और वो बह गया सारा पसीने में, कुछ दिखा ही नहीं। ढूंढ रहा हूँ, आंख लगा के ढूंढ रहा हूँ, कुछ दिख जाओ, कुछ नहीं दिखा। वहां पर बाथरूम में लोग आ रहे हैं, बाथरूम कर जा रहे हैं, मैं ऐसे बैठा हूँ अभी कहाँ से देखूं। मैंने ना इधर उधर नजर घुमाई, बंदों ने ना गाइड होती थी, गाइड फेंकी हुई है, कॉपी फेंकी हुई है, नोट्स फेंकी हुई है। मैंने कहा ये क्यों लिखा हुआ है, मैं भी नोट्स पढ़ूंगा। मैंने बुक उठाई, ढूंढना शुरू कर दिया, कुछ नहीं मिला, और डर और लगने लग गया। मैंने कहा यार मैम कहेगी इतने टाइम से आया नहीं। बुक रखी, दौड़ के चला गया मैं रूम में, बहुत निराश निराश गया मैं रूम में। देखा वो आलू शीट्स मांग रही है, भर रही है, शीट्स मांग रही है, भर रही है। थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, पर मेरे को ये था लेने गए, अब मैं अपना करता हूँ अपना। मुझे ना सिर्फ एक था, मैंने कहा कुछ हो गया ना, मैंने आंसर गलत लिख दिए, और ना मैंने ना नीचे से लड़कियां डबल लाइनिंग नहीं मार देती मैं भी ना डबल लाइनिंग मारनी मैंने शुरू कर दी। मैंने कहा इससे क्या होता है, काफी बार ना टीचर ना पढ़ता नहीं, देखता अच्छा अच्छा लिखा है और नंबर दे देता है। तो मैं भी यही कर रहा था, अपना एक लाइन गलत लग गई, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने आगे वाले से रबड़ मांग ली। अब उस हरामी ने क्या कर रखा था, उस रबड़ पे कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ था। अब इतनी देर में क्या होता है, जैसे उसने मुझे दी, फ्लाइंग वाले आगे उड़ते हुए आते नहीं थे वो फ्लाइंग वाले चेकिंग करने, सबकी चेकिंग करने लगी, मेरी रबड़ पे उन्हें फॉर्मूला लिखा हुआ दिख गया। मुझे उसने ऐसे देखा, तो खड़ा हो। अब जैसे ही मैं खड़ा हुआ मेरी हंसी छूट गई, मैंने कहा सर मेरी नहीं आई है, ठीक है। कह रहा हंस मत और बता और कहाँ कहाँ पर्ची। मैं कहा सर मेरी है ही नहीं है, मैं कहा इस आगे वाले की है। आगे वाला डर गया, आगे वाला कह रहा सर मेरी भी नहीं। मैं कहा अबे हरामी, मैंने कहा अभी तो तुझसे ली मैंने। कहता सर यहाँ पर पड़ी थी रबड़, इसने मांगी मैंने उठा के दे दी, मेरी नहीं है। मेरी फट गई, मैंने कहा यार भाई ऐसा मत बोल, ये पेपर पर फाड़ देते हैं। तो हुआ क्या, उस बंदे ने हम दोनों की चेकिंग करनी स्टार्ट कर दी, उसकी चेकिंग करी कुछ नहीं मिला। जैसे ही मेरी तरफ आया मेरी फट गई, मैंने कहा अब क्या करूं, मुझे मेरे यहाँ पर याद आ रहा है मैंने कुछ कुछ लिखा हुआ है। उसने जैसी चेकिंग कंप्लीट करी, मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला, यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्मूला। मेरा हाथ जोड़े, मैं कहा सर ये तो आए भी नहीं है, मैं कहा सर माफ कर दो ये तो आए भी नहीं है। उसने एक नहीं सुनी, उसने क्या करा, मुझे पकड़ा, मेरी शीट पकड़ी और मुझे प्रिंसिपल के पास ले गया। अब डायरेक्ट मुझे प्रिंसिपल के पास इसलिए ले गया, उस टाइम पर इतना हवा बनाया हुआ था ना ये सब कुछ, एट्थ क्लास बोर्ड प्री बोर्ड्स में एक लड़का चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, यहाँ पर लिखकर लेकर आया हुआ था, इसके पेरेंट्स को बुलाओ, कॉल करो। मका बेक एक पेपर ही तो था, उसमें भी तुमने उस चीज़ के लिए मुझे पकड़ा जो चीज़ आई नहीं पेपर में। अब उन्होंने पापा मम्मी को कॉल कर दिया, और ना जो प्रिंसिपल मैम थे उन्होंने सिंपल बोला कि बेटे आपको 3 दिन के लिए इन्वेस्टिगेट करा जाता है। अब मैं निराश हो गया, अब बाहर आया, अब सब बच्चे सोचने लगे ना ऐसे कि अब जो चीटिंग करते हैं दबाकर, वो सोचने लगे बेचारे ने करी भी नहीं और फंस गया, शरीफ ही लड़का है। अब सब मुझे ना ऐसे दुख भरी निगाहों से देख रहे थे, गलत हो गया। और मैंने सिर्फ एक चीज, मैंने कहा ये सजा है, मैंने कहा ये तो मजा है, मतलब किस पे आफत आई है। रोज तुम जैसे भेड़े चेहरे देखने पड़ते थे मुझे, गिरे हुए चेहरे देखने पड़ते थे। सुबह 7 बजे आओ, एक्स्ट्रा क्लास लगाओ, प्रेयर में भी नहीं जाने दे रहे, कह रहे 8th क्लास वाले पढ़ेंगे, दिन में भी तंग कर रहे हैं, सुबह भी शाम भी। मगर 3 दिन तक छुट्टी। और जब घर आया पापा ने क्या सूता मुझे बेल्टों से मारा था भाई साहब, बहुत मारा था उस दिन मुझे, क्योंकि 8th क्लास ही, तो घर वालों को भी ऐसे था ना कि बच्चा बड़ा सीरियस होना चाहिए, ये सब क्या कर रहा है। अरे नॉर्मल सा लिखा था यार, आज हंसी आती है सोच के। और आखिरी में रिजल्ट क्या था, जब रिजल्ट आया तो मेरे ना कुछ 69 मार्क्स बने थे, क्योंकि मैं पूरा कर नहीं पाया था। और जो वो लड़की थी आलू, उसके 100 out of 100 मार्क्स आए हुए थे। मैंने कहा अगर मैं वो चेप भी देता क्या और लिख भी देता तो भी मेरे 85-90 आ जाते, हरा तो मैं उसको तब भी नहीं पाता। पर इन शॉर्ट कहानी इतनी थी कि उसके चक्कर में, आलू के चक्कर में मैं 3 दिन के लिए सस्पेंड हो गया। भले मजा आया सस्पेंड होकर, घर में पीटा, बेइज्जती हुई, सब कुछ हुआ, पर मैं 3 दिन के लिए सस्पेंड हो गया था। तो मुझे पता है तुम सबके
साथ भी ऐसे बहुत सारे किस्से हुए होंगे, क्योंकि हर किसी की लाइफ में चीटिंग वाला किस्सा हुआ ही होगा। बहुत होंगे तुम से जो यहाँ पर लिख के पटो पे लिख कर घूम रहे होंगे। तो जिसकी जो जो सी कहानियां है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं सच में पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे मजा आता है ये सब पढ़ने में, बहुत फनी होता है। तो आई होप तुम सबको ये चीजें सुनकर मजा आया होगा। मेरा एक छोटा सा शर्मनाक किस्सा था जो मैंने तुम सबके साथ शेयर करा, आई होप तुम सबको मजा आया होगा। मजा आया तो कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।